अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलात वस्सलाम अला मन ला नबिया बादा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों व अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी गुलाम बनाने के लिए कुछ ऐसे कवानीन बना दिए गए ताकि हमेशा के लिए उनका दिमाग ऐसा हो जाए कि वो नीचे है और ब्राह्मण ऊंचा है। उनके कवानीन की मुस्तनद तरीन किताब है हिंदू मजहब की मनुस्मृति। तो अगर हम मनुस्मृति का मुतालिया करें तो पता चलेगा कि इनके कवानीन क्या हैं। मनुस्मृति अध्याय एक श्लोक नंबर 31 में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने दुनिया की तरक्की के वास्ते मुंह से ब्राह्मण को, बाजू से क्षत्रिय को, जानों से वैश्य को और पैरों से शूद्र को पैदा किया। और उसके अलावा मनुस्मृति अध्याय एक श्लोक नंबर 88 में ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। बस ये छह कर्म ब्राह्मण के लिए है। मनुस्मृति अध्याय एक श्लोक नंबर 89 में क्षत्रिय का और मनुस्मृति अध्याय एक श्लोक नंबर 90 में वैश्य का काम बताया गया, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। और शूद्रों का जो काम दर्ज है मनुस्मृति अध्याय एक श्लोक नंबर 91 में, वो ये है कि प्रभु ने शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही काम रखा, वो ये कि सच्चे दिल से तीनों वर्णों की खिदमत करना, उनकी सेवा करना, ये शूद्रों का काम है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मनुस्मृति अध्याय दो श्लोक नंबर 31 में दर्ज है कि ब्राह्मण के नाम के साथ लफ्ज मंगल लगा होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, मंगल माना खुशी। और क्षत्रिय के नाम के साथ लफ्ज ताकत लगा होना चाहिए, बल ताकत लगा होना चाहिए। और वैश्य के नाम के साथ धन यानी दौलत लफ्ज लगाना चाहिए। और शूद्र के नाम के साथ लफ्ज निंदा यानी तहकीर शामिल करना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय दो श्लोक नंबर 31। तो यहाँ के जो हिंदू मजहब के लोग थे वो इस तरह से डिवाइड हो गए और इस तरह ब्राह्मणियत की जीत हो गई, उनकी प्लानिंग कामयाब हो गई।